हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मम्मास किचन वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ब्लैक राइस यानी कि काले चावल की खीर का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हाँ दोस्तों, काले चावल बहुत ही हेल्दी होता है। इसका कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स होता है। इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। ये वेट लॉस में भी मदद करता है। ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। सो लेट्स मूव टू मम्मास किचन टू प्रिपेयर काले चावल की खीर। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा कप ब्लैक राइस। ये करीब 100 ग्राम के बराबर होगा। इसे हम ओवरनाइट पानी में भिगो के रखेंगे। ऑर्गेनिक होने की वजह से इसमें काफ़ी धूल मिट्टी वगैरह रहता है, तो इसे हम अच्छे से धो लेंगे। ये देखिए, हम अब ओवरनाइट भिगो के रखेंगे। एक पैन में हम 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क डालेंगे। मैं आज अमूल गोल्ड 500 ml का 2 पैकेट्स यूज़ किए हैं। दूध को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। फ्लेम को मीडियम पर रखे हैं। ये देखिए, दूध जब गर्म हो जाए तब हम भीगी हुई चावल को दोबारा धो लेंगे और इसे छान लेंगे। चावल को हम दूध में ऐड कर देंगे। चम्मच से एक बार मिला देंगे। दूध जब उबालने लगेगा तब हम 2 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। आप तेज़पत्ता दूध में पहले भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से एक बार मिला देंगे। 20-20 में इस तरह चम्मच को चलाते हुए हम बिल्कुल धीमी आंच पे खीर को 1 घंटा पकाएंगे। ब्लैक राइस नॉर्मल वाइट राइस के हिसाब से पकने में ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए इसे ज़्यादा देर के लिए पकाना पड़ता है। हम 6 छोटी इलायची को अच्छे से कूट करके रखेंगे। इसका पाउडर बना करके रखेंगे और छिलका डिस्कार्ड कर देंगे। साथ में हम 1 बड़ी चम्मच काजू, 1 बड़ी चम्मच आलमंड और 1 बड़ी चम्मच गोल्डन रेजिन्स लेंगे। एक छोटा सा पैन में 1 चम्मच घी में आलमंड और कैशू को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम गैस बंद करेंगे और गोल्डन रेजिन्स यानी कि किशमिश ऐड कर देंगे। एक बार चम्मच को चला देंगे। 1 घंटा हो गया है। ये देखिए, हमारा खीर ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए, चावल टूट गया है, तो हमारा खीर बन करके तैयार है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो हम अब ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। इसे घी में फ्राई करने से खीर में से एक घी का अच्छा महक आता है। अब हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद 2 मिनट हम वेट करेंगे और 2 मिनट बाद हम गुड़ पाउडर ऐड करेंगे। ये चावल हम चीनी के साथ भी बना सकते हैं, पर आज मैं गुड़ के साथ ही बना रही हूँ। गुड़ ऐड करने के बाद चम्मच से जेंटली हम गुड़ पाउडर को खीर के साथ मिला देंगे। गुड़ हम गैस बंद करने के 2 मिनट बाद ही ऐड करेंगे, क्योंकि पहले ऐड करने से गुड़ में अगर कोई इम्प्यूरिटीज़ हो तो दूध फट सकता है। अब हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और
एक और बार अच्छे से मिला देंगे। और ये हमारा ब्लैक राइस का खीर बन करके तैयार है। दोस्तों ये खीर बहुत ही अच्छा बनता है और साथ में ये एक बहुत ही हेल्दी डिश है। ब्लैक राइस का बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का रेसिपी, इसे अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।